दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे 2004 में रिलीज हुई एक रोमांटिक ड्रामा मूवी का, जिसका नाम है दिल ने जिसे अपना कहा। और इस मूवी की लीडिंग कास्ट में मौजूद हैं सलमान खान, प्रीति जिंटा, भूमिका चावला, राती अग्निहोत्री, हेलेन, आसिफ शेख, रिया सेन, डेलनास पॉल और रेणुका सहाने। इसके अलावा इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर हैं अतुल अग्निहोत्री, और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है सुनील मनचंदा और मुकेश तलरेजा ने। अब बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में, तो ये कहानी है ऋषभ और परी यानी सलमान खान और प्रीति जिंटा की, और ये दोनों एक हैप्पीली मैरिड कपल हैं जो एक दूसरे को दीवानों की तरह चाहते हैं। और जहां एक तरफ ऋषभ एक एडवर्टाइजिंग कंपनी की हेड पोस्ट पे काम करता है, तो दूसरी तरफ परी एक हार्ड वर्किंग डॉक्टर है, और उसका सपना है कि वो एक वेलफेयर चिल्ड्रन हॉस्पिटल खोले। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है, और फिर इनकी खुशियों को नज़र लग जाती है जब परी का कार एक्सीडेंट हो जाता है, और वो मरने से पहले अपना दिल अपनी पेशेंट यानी भूमिका चावला को डोनेट करवा देती है। अब इसके आगे फिल्म की कहानी में और भी बहुत से पहलू आपके सामने आएंगे, जिन्हें जानने के लिए आप लोग ये फिल्म देख सकते हैं। अब बात करें इस फिल्म के डायरेक्शन के बारे में, तो ये फिल्म एक्टर अतुल अग्निहोत्री की पहली डायरेक्टेड फिल्म थी, जिसे उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया और स्टोरी को भी काफ़ी बैलेंस्ड वे में प्रेजेंट किया, जहां उन्होंने इमोशनल और ट्रेजेडिक सीन्स को भी काफ़ी रियलिस्टिक अंदाज में दिखाया। और इस शानदार डायरेक्शन पे अतुल अग्निहोत्री की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और स्क्रीन प्ले राइटिंग की बात करें तो यहाँ पे भी फिल्म हमें इम्प्रेस कर जाती है, जहाँ फिल्म का फर्स्ट हाफ एक अच्छे स्टार्ट के साथ स्टोरी और करेक्टर्स को एंगेजिंग वे में डेवलप करता है, और फिल्म का सेकंड हाफ भी ऑडियंस को ग्रिप करके एंड तक कहानी से जोड़े रखता है और भरपूर एंटरटेन करता है। और बात करें डायलॉग्स राइटिंग की, तो फिल्म में हमें काफ़ी यूजुअल और एवरेज डायलॉग्स ही सुनने को मिलते हैं, जिन्हें मेरे ख्याल से थोड़ा मीनिंगफुल अंदाज में लिखना चाहिए था। इसके अलावा फिल्म में लाइट मोमेंट्स के तौर पे थोड़े बहुत कॉमेडी सीन्स भी रखे गए हैं, जिन्हें देखने में काफ़ी मज़ा आता है। और बात करें म्यूज़िक की, तो फिल्म का म्यूज़िक भी काफ़ी बढ़िया है, जहां इस फिल्म के तकरीबन सारे गाने ही काफ़ी रिफ्रेशिंग और एंटरटेनिंग हैं। ख़ास तौर पे सॉन्ग्स ये दिल तो मिला है, बिंदिया चमकने लगी और दिल ने जिसे अपना कहा तो अपने वक्त के काफ़ी मशहूर गाने हैं, जो आज भी काफ़ी पसंद किए जाते हैं। अब बात करें एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की, तो सलमान खान ने अपनी काबिलियत के दम पे अपने इस किरदार को भी बहुत अच्छे से निभाया और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। इसके अलावा भूमिका चावला भी काफ़ी मासूम नज़र आईं, और उन्होंने भी अपने किरदार के साथ बाखूबी इंसाफ किया और शानदार परफॉर्मेंस दी। और बात करें प्रीति जिंटा की, तो वो भी इस फिल्म में काफ़ी खूबसूरत नज़र आईं, और उनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़बरदस्त रही। इसके अलावा आसिफ शेख और फिल्म की बाकी कास्ट ने भी अपने अपने रोल्स में अच्छा काम किया है। ओवरऑल देखा जाए तो दिल ने जैसे अपना कहा एक अंडररेटेड लव स्टोरी है, जिसे एक वेल डायरेक्टेड मूवी कहना भी गलत नहीं होगा। इस मूवी में अच्छी कहानी के साथ साथ आपको आउटस्टैंडिंग एक्टिंग परफॉर्मेंसेस भी देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, ये मूवी मैं आप सबको रेकमेंड करूंगा। आप सब भी इस शानदार मूवी को ज़रूर देखिएगा।